शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। गोविंदा गोविंदा, अरे बाप रे, गोविंदा गोविंदा। ए, तुम्हें कौन से गांव जाना है? क्या कौन से गांव जाना है? कौन से भी गांव जाओ, तुझे क्या करना है? सुनो, तुम पैसा लेकर टिकट दो बस। गांव के लोगों को पागल समझते हो क्या? इस बोझे का भी लगेज देना पड़ेगा। इसका लगेज लगाओगे तुम? इतने से बोझे का गांव के आदमी को पागल समझते हो तुम? इतने से बोझे का लगेज लगाओगे तुम? इसका एक्स्ट्रा वजन है, इसलिए लगेज देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा वजन है तो क्या लगेज देना जरूरी है? बहुत पहुंची हुई चीज हो तुम। अरे भाई, मुझे सब पता है, गवर्नमेंट का काम लूटने का होता है। वैसे इन सारे आदमियों का वजन भी एक्स्ट्रा है, तो क्या इनका भी लगेज लगाओगे तुम? ए, लगेज का पैसा दोगे तो आगे लेकर जाऊंगा, नहीं तो यहीं उतार दूंगा। क्या उतार दोगे मुझे? इससे बात कर रहे हो, जानते हो तुम ऐसे बात कर रहे हो? मुझे पागल समझते हो? मुझे उतार दोगे तो बस उस रस्ते से इस रस्ते पे आएगी क्या? ए, तेरे टिकट का जो भी पैसा बनता है चुपचाप ले ले, मुझे उतारने की बात करता है? गांव के लोगों को पागल समझ कर रखा है क्या? देखो, कान खोल के सुन लो, मैं जितनी दूर इसे लेकर सफर करूंगा ना, उतनी दूर ये बोझा मेरे सर पर ही रहेगा। तेरे बस में रखा तो लगेज ले लेना, क्यों सही है ना? सॉरी, क्या बकवास कर रहे हो तुम? फिर देखिए ना, ये कैसी बात कर रहा है। अरे कहाँ कहाँ चले आते हो, लाओ टिकट के पैसे दो। देता हूँ ना, मैं क्या भाग जाऊंगा क्या? क्या है ये? क्या है, सब चिढ़कर बात करते हैं? सब लोग एक साथ सफर कर रहे हैं, थोड़ा सा संभाल ले सकते हैं? पढ़े लिखे होकर ऐसी बात कर रहे हैं? ये लो पैसे। ये क्या है, 10 पैसे कम है। और नहीं है? और चाहिए? अरे नहीं है, बोला ना। बोला ना दो। अरे नहीं है, बोला ना। नहीं दोगे तो यहीं उतार दूंगा। मुझे उतार दोगे तुम? गांव के लोगों को पागल समझते हो, खुद को समझते क्या हो? अरे 10 पैसे के लिए उतार दोगे? इतने लोगों से बराबर से पैसे लिए, 10 पैसे कम नहीं ले सकते क्या तुम? सुनो, ये कैसी नाइंसाफी है, बेईमानी की बात कर रहे हो? आप ईमानदारी की बात कर रहे हैं क्या? वो बात नहीं है, तुम्हें उन्हें 10 पैसे देने हैं ना। आप क्या कह रहे हैं? तुम्हें उन्हें 10 पैसे देने हैं कि नहीं? तो दे दीजिए। मैं क्यों दूं? मेरे पास नहीं है। मुझे क्या मतलब है? तो फिर आप बीच में क्यों बोल रहे हैं ऐसे ही? अरे जब पैसे देने नहीं है तो आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? सॉरी, या बस में इतने लोग हैं, उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं। हम दोनों आपस में बात करेंगे और सारा मामला खुद ही सुलझा देंगे, आप बीच में मत पड़िए। हाँ तो भाई, सिर्फ 10 पैसे कम है तो समझना चाहिए ना, मान भी जाओ ना। सुनिए, टाइम क्या हुआ है? 9:10 हुआ है। ए, मार क्यों रहे हो? और नहीं तो क्या? क्यों मार रहे हो? देख रहा हूँ मैं, गांव के लोगों को पागल समझ कर रखा है क्या? अब तुम्हें क्या हुआ? मैंने तुमसे क्या पूछा? टाइम कितना हुआ? तुमने मुझे क्या बताया? 9:10 बोला। तुम्हारी तो 10 बजे बोलना चाहिए था, 9:10 क्यों कहा? ए, पागल हो गए हो क्या? तुमने टाइम पूछा तो मैंने 9:10 कहा। फिर से वैसे ही कह रहे, तुझे जान से मार डालूंगा मैं। मैंने तुमसे क्या पूछा, फिर से बता। तुमने टाइम पूछा था ना, तो तुमने क्या बताया मुझे? 9:10 बोला। फिर से 9:10 बोल रहा है? 9 बजे बोल या फिर 10 बजे, ऐसा बोल, बार बार 9:10 क्यों बोल रहा है? गेट लगा है क्या? गेट लगाया इसीलिए तो बस रुक गई है। इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? तो क्या करूं, पहले बोझा रख दिया, ऊपर से सिर पर बैठ गए और फिर अमरूद खा रहे हो। ट्रेन आएगी क्या? ट्रेन आएगी इसीलिए तो गेट बंद किया है। अरे इतना भड़क क्यों रहे हो? नहीं तो क्या करूं? क्या करोगे? गांव के लोगों को पागल समझ कर रखा है क्या? वैसे ट्रेन आती है तो गेट बंद करते हैं या बस आती है तो गेट बंद करते हैं? बस आती है तो गेट बंद करते हैं, ट्रेन आती है तो गेट खोलते हैं। ये बात मुझे भी पता है। वैसे मालगाड़ी होगी या पैसेंजर? जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है, पैसेंजर होगी। क्या 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 पैसेंजर? मरता क्यों? मरता क्यों? मरता क्यों? मारूंगा नहीं। मरता क्यों तू? जान से मार दूंगा। अगर अभी हाथ उठाया ना तो ठीक नहीं होगा। क्या बोला था? देख वो पैसेंजर है। मुझे कैसे पता? पैसेंजर की कितनी बोगी होती है पता है तुझे? मैं नहीं जानता। नहीं जानता? नहीं जानता। इतने पढ़े लिखे हो और पैसेंजर की कितनी बोगी होती नहीं पता? पूरी 8 बोगी होती है, गिन ले। ट्रेन आएगी क्या? नहीं, हवाई जहाज आएगी। अबे बार बार मारता क्यों, चुप नहीं बैठ सकता? के लोगों को पागल समझते हो क्या? ट्रेन आएगी पूछा तो हवाई जहाज आएगी कह रहा है? कौन सी ट्रेन आएगी बोल? ये ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं? मुंह में जबान नहीं है क्या? जी तो बता नहीं सकता। जान के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? और नहीं तो क्या? हर बात पे मार रहा है तू। पूछो तो ऐसे ऐसे उंगली हिला रहे हैं। आ रही है ना? अब गिन। 1 2 3 4 5 6 7 8 बोगी है, पैसेंजर है। अबे फिर से क्यों मारा? तूने तो कहा था 8 बोगी वाली पैसेंजर होती है। क्या रे, 8 बोगी होने से हर गाड़ी पैसेंजर होगी क्या? वो मालगाड़ी है। नमस्ते, कौन हो बेटी? हिंदुस्तानी नारी हूँ, नए जमाने में पैदा होते हुए भी तुलसीदास जी के टाइम का पालन करने वाली हूँ। आपने मुझे अंदर आने के लिए कहा क्या? मैं तो भूल ही गई बेटिया। अरे अरे रहने दो ना, मुझे आशीर्वाद दीजिए। शादी हुई? वेटिंग लिस्ट में हूँ। तो तुम्हारी शादी जल्दी ही होगी, आओ। तुम्हारा नाम क्या है? संध्या। अच्छा नाम है, मतलब मैं अच्छी नहीं हूँ क्या? अरे तुम तो बहुत अच्छी हो। आपने मुझे कॉफी के लिए पूछा क्या? अरे भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। मुझे कॉफी टी की आदत नहीं है, सुबह सुबह रोटी और प्याज ही खाती हूँ बस। तुम तो इस दौर की लड़की नहीं लगती हो बेटी। आपने बिल्कुल सच कहा। बैठो, पहले आप बैठिए। हम लोग जेमिनी टीवी से आ रहे हैं, आ जाओ आ जाओ।
ये हमारा ही स्टाफ है। ये शैलू है, वो हमारा कैमरामैन है। माँ की भावना पर हम इंटरव्यू लेना चाहते हैं। आपका इंटरव्यू चाहिए। मेरा इंटरव्यू? प्लीज मना मत कीजिए, पापी पेट का सवाल है, मना मत कीजिए प्लीज। वो क्या है ना, मुझे आदत नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, आप अभी मुझसे जैसे बात करिए वैसे ही बात कीजिए। ठीक है। ये सब क्या क्या है ये सब? क्या कर रहे हो तुम लोग? हेलो सुनो, ये घर है, स्टूडियो नहीं है, चलो निकलो। ये है संध्या, जेमिनी टीवी में काम करती है। इसका टॉपिक है माँ की भावना, मेरा इंटरव्यू लेने आई है। मेरे पास एक और अच्छा आइडिया है, माँ की भावना के बारे में अगर आपका बेटा बात करे तो और अच्छा रहेगा। करेक्ट। सुन राकेश, माँ की भावनाओं के बारे में तू बोल, मैं सुनूंगी। माँ की भावनाओं के बारे में तुम नहीं जानती? नहीं जानती। क्यों? मेरी माँ नहीं है इसलिए। बेचारी इसीलिए पूछ रही है। बोल ना राकेश, मेरे लिए यहाँ बैठ जाइए, चलेगा। थैंक यू सो मच। स्टार्ट। मक्खन जैसा नरम होता है माँ का मन। सृष्टि में पहली आवाज होती है ओमकार की, मन से पहला शब्द निकलता है माँ का। बचपन की एक कहानी याद आ रही है। एक आदमी ने एक लड़की से प्यार किया। उसकी प्रेमिका ने एक दिन उससे माँ का दिल मांग लिया। उसने अपनी माँ के पास जाकर कहा, माँ मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। तब माँ ने अपने बेटे की खुशी के लिए अपना दिल निकाल कर दे दिया। खून से सना माँ का दिल लेकर वो प्रेमिका को देने के लिए उसकी तरफ दौड़ने लगा। रास्ते में ठोकर खाकर वो नीचे गिर पड़ा। हाथ में पकड़ा हुआ माँ का दिल दूर जाकर गिर गया। वो दिल अपने बेटे को देखकर बोला, बेटा इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? चोट तो नहीं लगी? खून तो नहीं निकला ना? ये होती है माँ की ममता। माँ की भावनाओं को अनुभव किया जाता है, बताया नहीं जा सकता। आप एक आदर्श बेटे को जन्म देने वाली एक महान माँ हो। मैं चलती हूँ आंटी, थैंक यू सो मच। देखा तुमने, अपने बातों में फंसाकर उसका क्लोजअप कैसे ले लिया। मैं अपनी माँ की बात को कभी नहीं डालता, इसलिए इंटरव्यू दिया। वो रिकॉर्ड किया हुआ कैसेट दे दो। लाओ दो। दे दो। फिर कभी ये ड्रामा नहीं होना चाहिए। आइए सर, देखिए इस बीपीएल में आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। दर्शकों को वीडियो भी अच्छा आता है और साउंड भी अच्छी आती है। आइए बैठिए सर, लॉयर राकेश के बारे में बताने वाले हैं। लॉयर राकेश जी के जनसेवा के बारे में आपको दिखा रहे हैं। न्याय के लिए कोर्ट में ही नहीं जिंदगी में भी लड़ने वाले इंसान है लॉयर राकेश। गरीब लोगों के लिए वो भगवान है। उनकी जिंदगी में अक्षर ज्ञान की ज्योति जला रहे हैं। बोलने से ज्यादा करके दिखाने से ही जिंदगी सफल होती है, इसका सबसे बड़ा सबूत लॉयर राकेश जी हैं। शैलू, राकेश जी का प्रोग्राम टेलीकास्ट करने से मना किया था ना? हाँ तो बोली तो थी। फिर क्यों? जानते हुए भी तुमने? जानती हूँ, घबराती क्यों हो? मैंने ही किया है। पब्लिसिटी इंटरव्यूज नहीं नहीं कहकर सब कुछ कराने वाले बहुत सारे लोग हैं, उन्हीं में से राकेश एक है। ज्यादा मत सोचो, डरना मत। अरे ये हमारे लिए मामूली सी बात है। शैलू, एडिटिंग रूम से होकर आती हूँ, बाय। Excuse me, संध्या कहाँ है? चेंबर 2 में है। एक दूंगा, मेरा इंटरव्यू टीवी पर क्यों आया? किसने परमिशन दी उसे टेलीकास्ट करने की? मेरे पेशे के खिलाफ है, मेरे प्रिंसिपल के खिलाफ है। जानती हो ना मुझे पब्लिसिटी पसंद नहीं है। अरे मैं तुम्हें जोकर लगता हूँ क्या? तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? कल मेरे बेडरूम और बाथरूम तक पहुँचाओगी क्या? सॉरी, अंग्रेज ये एक शब्द दे गए, सबके लिए बस सॉरी बोल दो। मिस्टर राकेश, हाँ मैं हूँ जेमिनी टीवी। कांग्रेचुलेशन आपकी टीवी इमेज के लिए। मेरी इमेज खराब की, मेरी लाइफ से अपना बिजनेस कीजिए, बस यही चाहते ना? नहीं सर, आपकी परमिशन से टीवी में प्रोग्राम चल रहा है, मुझे पता था, लेकिन मैं सच समझ गया हूँ, सॉरी सर। जो भी हुआ उसके लिए टीवी पर माफी मांग लूंगा। इंसान कोई खेलने की चीज नहीं होती, माइंड इट। हाय, हेलो। हेलो, मैं संध्या की फ्रेंड हूँ। टीवी में प्रोग्राम दिखाया इसलिए आपके बेटे ने संध्या को बहुत डांटा। संध्या को बहुत बुरा लगा, उसका नतीजा संध्या ने आत्महत्या करने की कोशिश की। सही वक्त पर अगर मैं नहीं पहुँचती तो संध्या की लाश ही मिलती।
गुस्सा करने की भी एक सीमा होती है, बता दीजिए अपने बेटे को। ये क्या पागलपन है संध्या, गुस्से से उसने कुछ कह दिया तो जान दे देगी क्या? अगर कुछ हो जाता तो उसे कितनी तकलीफ पहुंचती? क्या उसे सच में तकलीफ पहुंचती? क्यों, वो इंसान नहीं है क्या? मैं राकेश से प्यार करने लगी हूं। संध्या, क्या प्यार करना गलत है? राकेश के मामले में ये गलत है और पाप भी है, पागलपन है। संध्या, 5 साल पहले मेरा राकेश कैसा था तू नहीं जानती। हंसते और सबको हंसाते हुए रहता था, तुझे नजर लग जाएगी ऐसा मैं कहती थी। मैंने खुद कितनी बार अपने हाथों से उसकी नजर उतारी थी। वो दिन, वो खुशी, वो आनंद मैं अभी तक भूल नहीं पाई।